भैया मैं आ गया पिकअप लोकेशन पे, आप कहाँ पे हो? अच्छा ओके, आ जाओ आ जाओ। ना टाइम लगा रहा है। जेनिथ जेनिथ आ जाओ बैठो। ओए हाय रे, तू जा आयल जो बाहर। क्या हुआ? बाहर निकल। क्यों आओ? बाहर आ, चुपचाप बाहर आ भाई। क्या चला भाई तू? भला तेरे को मालूम नहीं ये एरिया में कैब अलाउड नहीं है? पर मैं थोड़ा ना सामने से आया, उसने बुक किया कैब तो अब मैं आया ना। इसका मतलब ये एरिया में कैब लेके आने का नहीं, इधर खाली रिक्शा वाले चलाते। अरे तू क्या साहब, आप भी साला, हम इधर 20-30 साल से इधर रिक्शा लगा रहा है, रिक्शा स्टैंड कर रहा है, तुम एक दो साल में नया आके हमारा धंधा लेके जाएगा? उसने बुलाया, मैं तो ना सामने से आया। क्या साहब, इन लोग तो बहुत बड़ा कंपनी है, हजारों करोड़ों का, हमारा 20-30 हजार का रोजी रोटी पे आप हमको लेके चलो ना। कहाँ जाने का, बोलने का ना रिक्शा वाले को, हम आपके लिए खड़े है ना। तू निक, चल निक। गलत क्या है इसमें, आप भी अपना धंधा करो, हम भी हमारा धंधा कर रहे हैं। 150 बनता है अब भी यूनियन को बुला। तू खड़ा रहे इधर, लौकर नहीं नहीं रुकना, खड़े रहना अभी, इधर बुलाओ क्या सबको। वो नहीं आने का, इधर निकल निकल पटपट। छोड़ देना उनको भाई, मैं जा रहा। निकलता है कि साला पटपट निकल, नहीं तो ये वाइपर ना। कैब कैंसिल कर, पटपट निकल, पटपट भाग जाना, दिखना नहीं। क्या साहब, आप इन लोग के नादे में लगते हो, हम लोग इधर रोजी रोटी वाले हैं। मैं है ना इतना अपने पास, पूरा रिक्शा का पूरा स्टैंड है, यूनियन है, आप किधर ये कैब इंग्लिश लोग के नादे में लग रहे हो। आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो, मैं छोड़ता ना आपको। बोलो किधर जाने का? स्टेशन। स्टेशन? स्टेशन नहीं जाएगा, उधर बहुत ट्रैफिक रहता है। बहुत ट्रैफिक नहीं है, आपको वहां से लेफ्ट ले लेना चाहिए था, जल्दी पहुंच जाते। ₹2 देना सर। नहीं वो आगे जाओ। ₹2 देना सर, सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं सॉरी, आगे जाओ प्लीज। सुबह से कुछ नहीं खाया सर, प्लीज। बोल रहा हूँ ना, सॉरी प्लीज, आगे जाइए। ₹2 बोलो ना सेठ को। ₹2 ज़्यादा नहीं, दुआ देगा। हेट प्लीज़, आप आगे जाइए, ऐसा क्यों कर रहे हो? अब जाओ आगे प्लीज़, आए भैया प्लीज़, ज़रा विंडो पर करना। करो ऐसा मत करो साहब, साहब ₹2 साहब 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 साहब। इतना लंबा सिग्नल आपको बोला था राइट से, कुछ खाने को दे दे साहब। मैंने लास्ट सिग्नल पे ऑलरेडी दिया है, अब हर सिग्नल पे आओगे तो नहीं चलेगा ना, प्लीज पीछे जाओ। अब उस भिखारी का पेट भर दिया, मेरा नहीं भरा। तो जबरदस्ती करो, पैर मत दे रहा हूँ, ये लो ओके। ₹2 कोई भिखारी को भी नहीं देता है साहब, सब ₹2 में क्या आता है साहब, समझो। मैं आप भिखारी होते मैं 2 देता तो अच्छा लगता कैसा। सॉरी मैं, आप प्लीज जाओ। भैया सिग्नल चालू हो गया, चलो ये 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 लो, ओके ओके, चलो 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 साहब साहब साहब, ₹10 में क्या होता है साहब, सब थोड़ा और साहब। दे 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 बस अभी प्लीज चलो, किसी और से मांगो साहब। ₹20 में क्या होता है साहब, खाली सुबह का खाना रात के खाने का। ये और होटल बस, प्लीज जा प्लीज जा। खाने के बाद आइसक्रीम कैसे खाऊंगा साहब? अरे देखो क्या चाहिए मुझसे, क्या चाहिए। हो गया ना, नाउ गेट द फक आउट ऑफ हियर, लेट्स गो भैया। सब ले लिया, देखो भिखारी बना दिया, कर दिया उसने मेरे साथ इस। ओए जूता भूल गया तू, क्या भिखारी बनेगा रे, अगर ₹5 दो। सर आ गए हम लोग। थैंक यू सो मच, कितना हुआ एक बार बता दोगे देख के? 450। ये लीजिए। थैंक यू सर, चेंज। थैंक यू। आई रियली होप कि यू हैड अ गुड राइड एंड मैं आपको एकदम अच्छे से एंड सेफली लेके आ गया। अबाउट द रेटिंग, आपको जैसा सही लगे वैसा दे देना, आई वोंट आस्क फॉर 5 stars। एक काम करो, कीप दिस एज अ टिप। सर इट्स फाइन, आई मीन वरी यार, यू डिजर्व इट। आपकी सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड एज अ ह्यूमन ऑल्सो यू आर वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, हैव अ गुड डे। सर यू हैव पार्ले जी, 50 वापस दे। बस। कितना हुआ? ₹200 हुआ, इसमें तो 80 लिखा हुआ है। तो पूछा का एको दिखता नहीं है, ऐसा ही पूछते हैं ना खाली। 80 हुआ ना? हाँ।
आदमी लोगे कहाँ से आते क्या मांगे। ये लो 80 रुपए। क्या इतना बड़ा नोट निकाल रहे हो साहब, 80 रुपए के लिए 100 रुपए दे रहे हो? छुट्टा नहीं है मेरे पास, 80 रुपए छुट्टा दो। अरे यार 20 रुपए तो छुट्टा अच्छी होगा ना आपके पास, ऐसा क्या कर रहे हो? कैसा बात करते हो यार, 20 रुपए छुट्टा कौन रखता है? 100 रुपए का इतना बड़ा नोट, 80 रुपए छुट्टा दो भाई, मेरे पास छुट्टा नहीं है। बोनी का भी टाइम थोड़ी ना, सुबह से किया होगा ना 5-6 सवारी, तो होगा छुट्टा, चेक करो जरा अच्छे से, 20 रुपए तो है यार। अरे नहीं है भाई छुट्टा, में नहीं नहीं छुट्टा नहीं। अभी क्या करने का, ये 100 रुपए है यार, जाने दो ना, 100 दे दो, 20 रुपए में क्या होता, छोड़ दो। तो मेरे पास भी 50 है ना, आप 50 ले लो, आप 30 रुपए जाने दो। चाइला ऐसा ही है ना, इतना ही नखरा करने का है ना, तो एक काम कर, जा छुट्टा लेके आए, देख दुकान है, जा लेके आ छुट्टा। अब दुकान तो बंद पड़ा है, कहाँ से लाएगा छुट्टा? हाँ तो ढूंढ ना दुकान, बहुत टाइम है तेरे पास, काम धंधे तो है नहीं, कर ले टाइम पास, कर ले, मेरे को क्या है, मैं इधर ही बैठा हूँ, कर ले। अरे एक काम करो, ये लो आप रखो 100 रुपए, और जो 20 रुपए ना वो टिप समझ के रख लेना, ये लो रखो रखो भाई। साले लोग टिप नहीं देते तो अपने को भी टिप लेने को आता है, साला कैसा? कैसे हो भैया? बस बढ़िया बढ़िया, चले फिर। अरे मैं क्या बोल रहा था, 300 फेयर बता रहा है, अभी कैब वाला भी कमीशन लेगा, आपके हाथ में 250 आएगा, तो उससे अच्छा इधर कैंसिल कर देता हूँ ना, और आपको 270 देता हूँ, आपको भी 20 मिलेगा, मेरा भी 30 बचेगा, कैसा लगा आइडिया? हाँ आइडिया तो अच्छा है, मानता है कि नहीं? नहीं अब मैं लेकिन ये सब करता नहीं, अभी जहाँ से धंधा आ रहा है उनके हाथ में चीटिंग नहीं करता, जितना बता रहे भाई साहब उतना आपको देना पड़ेगा। अरे क्या यार इतना अच्छा आइडिया दिया, तुम लोग को कुछ करने का नहीं है, ऐसे ही बड़ी कंपनी बन गई, तुमको क्या मिला करने का, 20-30 रुपए का चोरी वोरी चलता है यार। देखो भाई बहुत कैब वाले करते होंगे, लेकिन मैं उसूल का पक्का हूँ, बस जितना पैसा दिखा रहे उतना ही लूंगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, वो पैसों में चीटिंग मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं करता, तो आप बैठ रहे हो कि मैं कैंसिल कर दूं, मतलब क्या करना है बता दो आप। चलो भैया एयरपोर्ट चलोगे? हाँ हाँ एयरपोर्ट 150 होएगा। 150 क्यों? मीटर लगा है ना, तो मीटर से चलो, मीटर से देखेंगे ना जितना होगा, ऐसा मत करो 150 मीटर से चलो प्रॉपर। नहीं नहीं वैसा बात नहीं है, मीटर पे जाने को मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है मीटर पे भी 150 होता है, तो इसीलिए हमने स्टैंडर्ड कर दिया पूरे रिक्शा स्टैंडर्ड 150 रुपया। मीटर से भी 150 ही होता है? हाँ लगभग 150 के आसपास होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना ट्रैफिक लग गया ना, तो मीटर पे 200-180 ऐसा हो जाता है, इसलिए कस्टमर के लिए हमने क्या स्टैंडर्ड रेट कर दिया 150, ताकि उसको टेंशन नहीं हो। लेकिन अगर आपको मीटर पे जाने का तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज्यादा पैसा देने का तो मैं क्या कर देता हूँ। नहीं 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 कोई बात नहीं, मीटर से मत करो, एक काम करो 150 ले लेना। चलो पक्का ना, मैं कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, आप खुद बोल रहे हो। चलो अरे सिर्फ 40। तू बिना मीटर के आया? कितना दिया? 150। चूना लगा दिया भाई। श्याम? हाँ भैया, वो भैया सुनो एक रिक्वेस्ट है, यहाँ से वो मैप में 1 घंटा बता रहे हैं, बट आधे घंटे में मेरा UPSC का एग्जाम शुरू हो जाएगा, प्लीज़ आप थोड़ा भगा के मुझे जल्दी पहुँचा सकते हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। सर बहुत मुश्किल है, गाड़ी है, ट्रैफिक भी अटकेगा, नहीं पहुँचा पाऊंगा सर, आई एम रियली सॉरी सर, चाहिए तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, आप कुछ और देख लीजिए सर, सॉरी। काय रे काय झालं? अगले आधे घंटे में एग्जाम है अंधेरी में। सुना मैं सब, आजा वेट छोड़ता हूँ। कैब वाले ने बोला बहुत ट्रैफिक है, आप कैसे पहुंचाओगे? अरे बेटा यू डोंट नो द पावर ऑफ अ कॉमन रिक्शा वाला, आ जा बैठ बैठ। वैसे है तो नहीं, लेकिन अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। थैंक यू भैया। अरे हाँ हाँ जल्दी जा। कितना हुआ? अरे पैसा छोड़ एग्जाम दे भाग। पक्का? अरे जा लेट हो रहा है। ऐसे ही थोड़ी ना रिक्शा वाले मुंबई की जान है। ऑल द बेस्ट।
पास हो गया ना। बच गैंग